जितने भी टीम थी, जिसकी भी जो टीम बनी हुई थी, पूरी की पूरी टीम MLCMatcher.com में शिफ्ट होगी। यानी जो आईडी जो अपनी वैसे की वैसी रही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। और जैसे इसमें लोगों ने अपने आप को एक्टिव किया, लोग सीनियर को वैसे ही फायदा मिला। तो लेकिन पलवन की बात करें तो पलवन जब ये अपना Parlvan.com को बंद करने जा रहा था, उसने पुरानी पूरी टीम की टेस्ट नेस कर दी, उन्हें इधर उधर कर दी और लोग काफी टूट भी गए, लोगों को काफी नुकसान भी हुआ। जो उन्होंने साथ साथ जो मेहनत की थी, मेहनत पे सिस्टम ने पानी फेर दिया। तो सिस्टम को ये भी देखना चाहिए था कि लोगों जो होते हैं वहां पे मेहनत की है, तो मेहनत किसी का बेकार ना जाए। लेकिन Parlvan ने वहां भी ध्यान नहीं दिया, लोगों को नए सिरे से टीम बनाने के लिए मजबूर हो गए। जिनकी पाजर की टीम थी, धुरेंद्र कुमार जैसे बोलते हैं कि मेरी Parlvan में पाजर की टीम थी, और अभी अभी के हालात में उनके 100 की भी टीम नहीं होगी Parlvan में, जहाँ तक आइडिया है, बाकी कुछ भी हो सकता है। यानी कहने मतलब वाली टीम इतनी उनकी उतर पुतर होगी, इतनी डिस्ट्रॉय होगी कि लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। कई लोग तो कई बड़े बड़े सीनियर तो ऐसे ही टूट गए। और ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्रिप्टो का नया आ गया, तो लोग समझ में भी कम आया। लोगों ने उस समय अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, अपने आप को टाइम के साथ चेंज करने के लिए तैयार नहीं हुए कई साथी, और इससे कनेक्शन अपना बना नहीं पाए पीवीसी मटा के साथ। तो यहाँ पे कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि यानी कंपेयर करना भी जरूरी होता है। हम लोग सिर्फ किसी सिस्टम की सिर्फ वाह वाह ही नहीं करनी है, उसकी कमियों को भी देखना है, उसकी अच्छाइयों को भी देखना है, और उसके बिहाफ पे कोई सिस्टम रन कर रहा है तो उसमें क्या वो कमियां है कि नहीं है, या अच्छाइयां है तो कितनी अच्छाइयां है, हर एक पहलू को जरूर चेक करना चाहिए, तब जाकर उसमें वर्क करना चाहिए।